बताना चाहता हूँ कि मैं 3 महीने से यहाँ पर पहली बार मद्रास आया। इतना ब्यूटीफुल जगह है, इतनी अच्छी जगह है, तो मैं ये ध्यान में रखूंगा कि जो भी डेवलपमेंट के प्लान आए हमको कहीं से मिले किसी मिनिस्ट्री से, मैं द्रास को डेवलप करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर एक भाई का, हर एक बहन का, हर एक माता का, हर एक बेटी का, हर एक बेटे का तरक्की हो, और उसके लिए मैं संकल्प है मेरा प्रॉमिस है। और मैं एक दो बात और करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि आप लोग अपने सिटी को, टाउन को साफ रखें। अगर आपके बगल के घर वाला कोई गंदगी करता है उसको बोलो कि भाई गंदगी मत करो, खुद गंदगी मत करो, और बच्चों को वही बात सिखा दो, हमारी बेटियों को सिखा दो, सफाई होनी चाहिए। और मैं यहाँ पर लद्दाख में करप्शन और डिले, बेईमानी और ये काम को लटकाना, इसको मैं खत्म करना चाहता हूँ। और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का कोऑपरेशन, सरकार अकेले करप्शन को नहीं खत्म कर सकती। कोई भी बेईमानी कर रहा है, सरकारी अफसर हो, बड़ा अफसर हो, कितना बड़ा अफसर हो, आप हमको रिपोर्ट दोगे तो मैं इंक्वायरी कराऊंगा। कोई भी अफसर आपकी फाइल लेके बैठ जाता है और 15 दिन से जाता होता है, बताओ। मैंने अपने सेक्रेटेरिएट में ऑर्डर दिया है कि हमारा सेक्रेटरी, हमारा कमिश्नर हफ्ते में 3 दिन 12 बजे से लेकर के, और जब तक मिलने वाले मुलाकाती लोग खत्म ना हो, सुनेगा सब, सबको जवाब देगा। क्योंकि हमारा जो हमारी सरकार है, हमारा प्रशासन है, हमारा सेक्रेटेरिएट है, जवाब दे होना चाहिए। और किसको जवाब दे हो? आप, ये हमारा इरादा है, हम इसको करना चाहेंगे और करेंगे। समय लगेगा लेकिन काम होगा। और मैं ये भी चाहता हूँ कि यह टूरिस्ट स्पॉट और अच्छा हो, होम स्टे और भी अच्छे हो, जिससे कि लोगों की आमदनी भी बढ़े और लोगों को हौसला हो आगे काम करने का। कहना यह भी मैं चाहता हूँ कि अभी क्या होता है कि हमारे बच्चे जब घर से जाते हैं तो माँ बाप, बड़ी बहन, बड़ा भाई ये बोलता है बच्चे को, बेटा जाओ पढ़ो और अच्छा सर्टिफिकेट लेके आओ जिससे नौकरी मिले। मित्रों, अल्लाह ताला के रहम से हम लोगों को इतनी अच्छी वादी मिली है, यहाँ पर स्कोप भी है, तो इसलिए हर एक को, नौजवान को ये सीखना पड़ेगा कि हम खुद एक स्टार्टअप बने, हम कुछ करें। नौकरी के लिए हम न दौड़ें, लेकिन हम ऐसा काम करें कि दो को नौकरी दे सकें। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर जो सालाना जो वर्कफोर्स आती है, जो काम करने के स्ट्रीम में आती है, सबको नौकरियां नहीं मिलती, स्टार्टअप होते हैं। तो हमारा युवा को यह हिम्मत बढ़ाओ कि वो स्टार्टअप हो, कुछ ना कुछ करे और नौकरी के लिए खुद ना भागे, एक आप लोगों को नौकरी दे, यह जरूरी है। तो हमको अपना दिमाग चेंज करना पड़ेगा, कुछ कुछ ये करना पड़ेगा कि भाई हमारे युवा अपने काम में लगे, कुछ काम करें, दूसरे युवा को भी कुछ काम दें। मौका तमाम है, खेती है, होम स्टे है और तमाम गवर्नमेंट की स्कीम है, तमाम। कल हमारे कारगिल में हमारे पास एक लड़की आई थी, उसको हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने 5 स्कीम उसको बताई कि बेटा तुम ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, सरकार से इतना तुमको मदद मिलेगा। तो वो भी अवेयरनेस आपको मिलना है, नहीं अवेयरनेस है डीसी के पास जाओ। हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर ने तमाम ऐसी योजनाएं बनाई हैं, इतना रुपया वो अलॉट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ सबको मिल सकता है। लेकिन कब मिलेगा जब आप पता करें, कब मिलेगा जब आप उसमें हिस्सेदारी करें,
तब मिलेगा जब थोड़ा हिम्मत करें, तब मिलेगा आपको जब आप अपने सबको बताएं कि भाई मैं ये करने जा रहा हूं। जरूरी है कि हमारा युवा सिर्फ नौकरी के लिए ना भागे, क्योंकि मैं देखता हूं कि फिर नौकरी के लिए भागता है तो उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, अफसोस है कि वो ड्रग भी लेके आते। हमारे स्कूल में बच्चों को आदत पड़ जाती। मैंने पूरे लद्दाख के एंटी ड्रग का एक्सपर्ट हो, 4-5 बच्चे हो, एक टीचर हूँ, और इंश्योर करो कि हमारे बच्चों तक ड्रग न पहुंचे, क्योंकि ये बहुत गड़बड़ है। बच्चा तो छोटा है, हमारी बेटी छोटी है, इसको तो ऐसे वो कहेंगे कि दोस्ती कर लिया, फिर कहेंगे अच्छा ये खाओ, ये बड़ा अच्छा होता है, बच्चे की आदत पड़ जाती है। हमको बहुत तकलीफ होती है, कोई छोटे बच्चे को मैं देखता हूँ ना कि छोटा बच्चा ड्रग खा रहा है, बहुत तकलीफ होती है। 18 साल का है, 19 साल का है, माँ बाप के कंट्रोल में नहीं जाता। तो ये आप जरूर करो। और एक जो लास्ट पॉइंट है, रिपीट है, कि इतना अच्छा शहर है, इतनी अच्छी वादी है, सफाई का ध्यान रखें। यहाँ के जो हमारे सरपंच हैं या यहाँ के जो और भी नंबरदार हैं, वो इंश्योर करो कि ये साफ है। सफाई करने में थोड़ा सा मेहनत होती है, नहीं गंदा करने में कुछ मेहनत नहीं होती, ऐसे ही गंदा हो जाता है और वो ठीक नहीं। मेरा ये आपको मैसेज है, मैं आपका मदद करने वाला हूँ, मैं आपके लिए तवज्जो करने वाला हूँ, आपके लिए मैं सोचता हूँ, रात दिन मैं ये सोचता रहता हूँ कि अरे इस स्कीम को कैसे करें। मैंने डिसाइड किया है कि हमारे अफसर हर गांव में जाएंगे, देखेंगे कहाँ कमी है, उसका नक्शा बनाएंगे और उसको हम लागू करेंगे। जो इस साल नहीं होगा अगले साल नहीं होगा फिर होगा। मैंने अभी मीटिंग में कह दिया कि जो सड़कें, जो पुल आधा बन के छोड़ा हुआ है, उसको पूरा तो करो। कोई भी चीज़ आधी करके मत छोड़ो, तकलीफ होती है। मैंने कई जगह मैं गया, देखा सड़क आधी बन के पड़ी है, पुल आधा बन के पड़ा है, हमको तकलीफ हो तो गांव वाले को तकलीफ होगा। तो ये सब दिमाग में है मित्रों, भाइयों, बहनों, मेरी बेटियां और बेटे, मैं आपका कोऑपरेशन चाहता हूँ, आप ही लद्दाख को अच्छा करो। एम हमारा ये है कि 8 यूनियन टेरिटरी, उसमें हमारा लद्दाख सबसे ऊपर है, और वो हम आपके कोऑपरेशन करें। आप लोग यहाँ पर आए हमसे मिलने, बहुत धन्यवाद। जो हमको मेमोरेंडम दिए हैं मैंने रख लिया है, आज समय नहीं है कि मैं सबको बताऊं, लेकिन उसको मैं निगाह दोहराऊंगा, जो भी कुछ हो उसके करते। बहुत धन्यवाद। जय लता, जय।